इंसान लिमिटलेस होता है अपनी जिंदगी में, लिमिटलेस। वो खुद डिफाइन करता है अपने आप को, और आज अगर वो किसी जगह पर है वो उसकी अपनी डेफिनेशन। Everything is against you and nothing is against you. It's according to the way you perceive about life. आप कैसे देखते हैं जिंदगी। तो कुछ बड़ा काम करना है ना अगर जिंदगी के अंदर, बड़ा काम। If you want to do something big, larger than what you are right now, जहां से आप आए हैं, जिन बरादरियों से, जिन जातों से, जिन इलाकों से, वो आपको अभी डिफाइन कर रही होंगी, जिसके तहत आपके ख्वाब बने हुए होंगे, और आप उन ख्वाबों के अंदर ही कुछ 5-10% की बहादुरी दिखा के कुछ बन जाएंगे, लेकिन यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट। इंसान को अपने कुएं से निकलने के लिए ना, मेंढक को शेर बनने के लिए ना, कुएं से निकलने के लिए दो बड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे वो बहुत बड़ी चीज बन सकता है। जब इंसान सोचना शुरू करता है ना कि वो कौन है, कहाँ है, कहाँ था, कहाँ पहुंच सकता था, कितनी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकता था, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फिर अपने हॉल से निकल के वो क्या नहीं बन सकता था, तो जो सबसे पहली डीमोटिवेटिंग आवाज आएगी ना आपको, वो आपका अपना नफ्स होगा जो कहेगा यू कैन डू इट। और फिर ये एक्सपैंड होते होते जब इंसान के ख्वाब उसकी जुबान पर आते हैं, तो ये दुनिया आपको ऐसी हसीन मिलेगी ना, नेसेयर्स टेलिंग यू यू कैन डू इट, यू नॉट मेंट फॉर दिस, तू नहीं कर सकता भाई, यू हैव दैट, यू डोंट हैव दैट हेट एंड यू डोंट हैव दैट क्लिक टू पुल इट ऑफ। तो तीन चार किस्म के डिवाइड्स मिलेंगे आपको। एक वो है जो हमेशा साहिल पे बैठ के दलील दे रहे होते हैं अपनी कायरी की, अपनी बुजदली की, और अपनी गुर्बत की और फकीरी की। आपको एक बहुत बड़ी कौम मिलेगी जिनके पास दलाइल होते हैं कि मैं साहिल पर इसलिए मर गया, इसी पे रह गया, क्योंकि ये वजूहात थी। कुछ आपको मिलेंगे जो पैर तो रख देते हैं जिंदगी के उस फ्लो के अंदर, मगर थोड़ा सा समंदर अपना आप हिलाता है, फिर भगोड़े भाग के वापस आ जाते हैं। और एक वो होती है जो आगे तो जाती है समंदरों में, अपनी किश्ती लेके जाती है तूफानों में, अपनी मंजिलों की उन पीक्स तक पहुंचने के लिए, मगर उनके यहाँ दो बड़ी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ बन नहीं सकते। और इंसान अपना उस नेचुरल ओरिजिनल फिनोमिनन परसोना जिसे हम कहते हैं, उससे कोसों मील दूर हो जाता है। इसलिए जब वो अंदर से घुटी हुई आवाज से कभी आ भी रही होती है ना कि यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, इंसान में इतना दिल गुर्दा जिगर ही नहीं होता कि वो उसे मुंह दे सके, क्योंकि ऊपर ऊपर बुजदली कायरी लॉस्ट होने के इतने अंबार होते हैं, दैट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स फन। जिस आदमी ने जिंदगी के अंदर रास्ता नहीं खोया, वो रास्ते की अहमियत समझाएगा कैसे किसी, जो चला ही हमेशा सीधे रास्ते पर वो भी पावरफुल है, मगर जिसने बुरे रास्ते नहीं देखे वो कैसे सीधे रास्ते बयान करेगा, वो सीधे रास्ते पर ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसे कराएगा किसी को। दोनों की अपनी क्लास है शरीयत के अंदर, जो सिरात मुस्तकीम पर आया उसकी भी क्लास है, और जो सिरातुल जहीम से सिरात मुस्तकीम आया उसकी भी क्लास, मगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट बहुत बड़ा होगा। पॉइंट इज, बहुत से लोग अपने असल आप से मिल नहीं पाते क्योंकि डर, खौफ, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ा भूत है हमारी लाइफ, लोग, पीपल। अगर कोई इससे आजाद होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश करेगा, तो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स बेटा। और तुम अपने उस चीज को ज्यादा जितना वॉल्यूम दोगे, लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि गुलामी हर किसी को पसंद है, चैलेंज कोई प्रेफर नहीं करता। बड़ा आदमी, बड़ा शख्स बेटा ना वक्त जाया करता है, ना रिसोर्स जाया करता है, ना जिस्म जाया करता है, और ना रूह जाया करता है। खुदा के साथ भी ताल्लुक पूरा कंप्लीट रखता है, वक्त के साथ भी ताल्लुक पूरा रखता है। अपनी रिसोर्सेज जो उसको मिली है, माँ बाप की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में, आपको ये मिला है, शायद कुछ लोगों के पास ये भी ना हो कतर के अंदर, वो कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। लम्मा सबर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द प्लेनेट, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द टैलेंट गॉड हैज गिवन यू, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द टाइम यू हैव राइट नाउ, बिकॉज आगे गेम बदल जाएगा बेटा। फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ द गेम वुड बी एंटायरली डिफरेंट, एंड लाइफ इज अ गेम, डोंट प्ले इट एज अ गेम, प्ले इट एज अ प्रोफेशनल। दूसरी शर्त जो अल्लाह कहता है कि जब इंसान सबर करने पे आएगा, अपने आप से लड़ने पे जाएगा, और लोगों की तकलीफों पे सबर करना होगा, जब वो ख्वाबों की बात करेगा, ड्रीम्स की बात करेगा, विजन्स की बात करेगा, तो दूसरा दूसरी तोप जो उसे चाहिए वो है वखैन उगिया यकीन, यकीनन सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन कि मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पहुंचना है, मैं कन्विंस करूंगा अल्लाह को कि वो बदले आसमानों के ऊपर तकदीर, मैं कन्विंस करूंगा उसको। हदीस में आता है अना इन दजन्नी अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, बड़ा दिल ला, मैं कायनात बड़ी कर दूंगा तेरे। कंजूस आएगा, कंजूसों वाले मामले ले ले मुझसे। हम दुआएं भी मांगते हैं कंजूसों वाली दुआएं हमारी, मांग बड़ी चीज मांग बेटा, पे के तीन नुक्तों को सिर के तीन नुक्ते वो बनाएगा, ये तेरा काम नहीं, मगर यू हैव टू वर्क लाइक मूसा। अल्लाह ने 12 रस्ते खोले, 12 मुंह खोले समंदर के, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा लाठी फेंक अपनी, थ्रो द स्टाफ मूसा, ताकि दुनिया को ये फील ना हो कि सिर्फ दुआएं होती हैं और असबाब और फिजिकल वर्कआउट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऊंट बांध फिर तवक्कुल कर। सो देयर इज अ, यू हैव टू बी सर्टेन कि सफर लंबा है। जीत का अगर कोई मुझसे एक लाइन में पूछे ना, जीत क्या है, जीत इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबी वॉक है, इट्स अ लॉन्ग वॉक ऑफ लाइफ। द मोमेंट यू डिसाइड टू बी अ लीडर इन एनी फील्ड, इंजीनियर, डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन एज वेल, द मोमेंट, ये दो चीजें होती हैं
जो किसी भी इंसान को, किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को एक्चुलाइज करती हैं। एक तो कितना, कितनी हिट ले सकता है अपनी लाइफ के, क्योंकि हिट बहुत आएगी सर। ओह यू विल फाइंड थिंग्स यू वोंट इमेजिन विल हैपन। इसलिए हम अपने बच्चों को डराना नहीं चाहते, सफर भी बड़ा मजे का है। सो इट्स अ गेम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, लॉन्ग गेम, लॉन्ग सफर, स्टे देयर। अक्सर लोग गेम में सही जा रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मगर सेल्फ कंट्रोल छोड़ता है और अभी आगे कुछ होता है, यू कांट इमेजिन। इतना बड़ा मौजा आगे वेट कर रहा होता है, वो भाग जाता है गेम्स। ही लीव्स द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक ऑफ सक्सेस। और अक्सर लोग सही जा रहे होते हैं और लगे हुए 10-10 सालों में, मगर कन्विक्शन और सर्टेनिटी, यकीन नाम की चीज ही नहीं। ऐसे मरे हुए दिल से जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप देख लें चीजें बदली नहीं रही जिंदगी के अंदर। डिटर्मिनेशन एंड सिंसेरिटी, यकीन, द टू सीज, रिमेंबर द टू सीज ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, तो आपके बहुत से जवाब हैं इस अच्छे काम के ऊपर। कभी कुछ काम ने कुछ, एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, अदवमहु वइन कल्ला, कम कर ले मगर कंसिस्टेंटली इस्तेकलाल के साथ करता रहे, छोटा काम कर ले मगर लगातार करता रहे। इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट, इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट इन पीपल, इन योरसेल्फ, कि मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं यहां पर। बड़ी जंप्स ना ले, छोटा मगर कंसिस्टेंट, एंड स्टे इन द गेम, कीप डाइवर्सिफाइंग, कीप डाइवर्सिफाई, कीप स्टॉप, कीप फाइंडिंग द मेट्स विद, अपने अंदर हुदूद डिफाइन ना करें। जितने भी वसवसे आ रहे हैं इनवाइट करें उसको फेस करने के लिए, दैट विल ब्रिंग इन। आपको मास्टर्स चाहिए, मेंटर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, मगर बेटा जिंदगी में कभी नहीं घबराना, कभी हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ कायनात के अंदर अल्लाह बदलता है तेरे पोटेंशियल और जिगर और गुर्दे को बड़ा करने के लिए। अल्लाह से वैसा मसल इंसान जरूर दायन अली जम्पी अकायदा अकायम। तकलीफ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि मजा लगा हुआ है धर्म में, मजा आता है हम लोगों को तकलीफ, नहीं, तकलीफ हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर हो। दायन दुआ मुखल इबादत, हदीस में आता है दुआ असल इबादत का एसेंस है, वो इंसान को ह्यूमिलिटी सिखाती है कि मैं हूं, अल्लाह अल्लाह है। तो जब इंसान अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अननेचुरल होगा वापस लाने के लिए कि वो अपनी सही सिम्त के ऊपर जाके इमाम बने, अल्लाह ने थोड़े टिच टूच करने होते हैं। तो अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, सहारे नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मुबारक हो बेटा, लीडर पैदा ही इन वादियों के अंदर होता है, लीडर इन तन्हाइयों में पैदा होता है जब कोई नहीं मानता उसे, कोई गले नहीं लगाता, कोई कोल्ड शोल्डर नहीं होते उसके लिए। मगर लीडर मरूब भी नहीं होता और मगलूब भी नहीं होता, अकेला घूमता है शेर बड़े अरसे जंगल के अंदर। शेर की शान ये होती है वो भेड़ियों की तरह और कुत्तों की तरह पैक्स में नहीं घूमता, अकेला घूमता है वो। मगर ये तन्हाई, ये इंफरादियत अच्छी भी नहीं होती, काफी अरसा शेर एक पैक के साथ ही पलता है, फिर एंड में अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। तो कुछ अरसा बेटा तुझे इस दुनिया के सिस्टम के साथ ही जीना है, कुछ अरसा इन लॉज को मानना है, तूने अपनी गर्दन अपने दिल को झुका के रखना है बहुत सी चीजों के आगे। जब तू उस फील्ड के अंदर एक मायानास कॉन्टेम्पलेशन के साथ बैठा होगा फिर अपने मुंह से बात करते हुए अच्छा लगेगा, फिर लोग भी मानेंगे। मगर अपना मुंह, अपनी आंख और अपनी कान गलत चीज में मत वेस्ट कर बेटा, यही जो बराबर में बैठा है यही तेरे से आगे निकल जाएगा, बिकॉज ही स्पेंडिंग टाइम, ही इज डेवलपिंग हिमसेल्फ। आज एक मस्ती, दिस व्हाट आई टेल द मुस्लिम किड्स, दिस इज व्हाट माय एड्रेस इज फॉर द पाकिस्तानी पीपल। एक मिनट जो आज गलत लगा रहा है ना, एक मिनट जो बच्चे तूने जाया किया ना जिंदगी, वो कितना बड़ा तुझे नुकसान देगा, मैं एक एग्जांपल देके खत्म करता हूं। अगर आपने गोल्फ को कभी स्टडी किया ना, गोल्फ की बॉल होती है इतनी सी, और गोल्फ की बॉल के अंदर अगर आप देखें वो शॉट मारता है ना, तो माइल्स का डिफरेंस होता है दो प्लेयर्स के शॉट के, मगर जो स्टार्टिंग डिफरेंस होता है ना, इट्स अ 1 इंच डिफरेंस ऑफ द क्लब, 1 इंच के डिफरेंस होता है सिर्फ शुरू के अंदर गोल्फ बॉल के। इफ यू आर हिटिंग इट लाइक दिस, वो 1 इंच या आधे इंच का डिफरेंस होता है शुरू में, जो आगे जाके माइल्स यार्ड का डिफरेंस होता है। एक गलत दोस्ती, एक गलत मूव, एक गलत बात कान के अंदर, एक गलत सहारा, एक गलत यारी, एक गलत ऑप्शन, एक गलत व्हाट्सएप, एक गलत एंड्रॉइड भी अगर आपने सेलेक्ट किया ना, वो कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में आगे लेके आएगा, यू डोंट नो दैट। एक मिनट बेटा, एक मिनट कीमती है। लंबी गेम, लंबा स्ट्रगल, लंबा सफर, लॉन्ग पेशेंस, लॉन्ग सर्टेनिटी। लंबे सफर में इंसान का यकीन टूटता है, सबर टूटता है। इफ यू होल्ड बैक टू इट, जीत तुम्हारी है बेटा, यू विल बी द विनर। अगला कंपेटिटर छोड़ देगा मार्केट, गेम में से बाहर चला जाएगा। ही लीव इट, एग्जॉस्ट करो उसको अपने सफर के साथ, और एंड में अगर कहीं मुकाबला भी होता है।